स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। आज के इस वीडियो में हम कलर टीवी के एक ऐसे फॉल्ट के बारे में जानेंगे जिस फॉल्ट के आने के बाद टीवी में आपका जो पिक्चर क्वालिटी है वो ठीक तरह से नहीं दिखता, क्योंकि उसके फॉल्ट आने से कलर टीवी की पिक्चर पे दाने दाने से दिखाई देते हैं, या नेट जो जाली होता है उस तरह का पिक्चर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस तरह से आपको फॉल्ट इसमें दिखाई देगा। आपका जो कलर टीवी है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसके स्क्रीन पे दाने दाने से आएंगे और जाली टाइप की आपको उसमें दिखाई देगा, कुछ इस तरह से इसमें फॉल्ट आएगा। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए किस तरह से इस फॉल्ट को हम समाधान करेंगे, कैसे इसको हम ठीक करेंगे, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आप इस वीडियो में फॉल्ट को देख सकते हैं, हमने वीडियो की स्पीड कम कर दी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जाली टाइप सा नेट जैसा बन रहा है और पिक्चर पे दाने दाने आ रहे हैं। तो इस तरह का फॉल्ट आता है तो क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसानी से समझाएंगे किस तरह से इसको इस फॉल्ट को रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों ये फॉल्ट ज़्यादातर लाइन फिल्टर के ख़राब होने से उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे देखते हैं, इसका जो कलर टीवी का जो पीसीबी है उसको देख लेते हैं, इसमें लाइन फिल्टर के वजह से ही प्रॉब्लम है या कोई और फॉल्ट है। तो ये हमने कलर टीवी का जो पीसीबी है उसको हमने खोल दिया है और यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं लाइन फिल्टर को वाइंडिंग होता है दोस्तों, इसमें कॉपर की वाइंडिंग होता है इस लाइन फिल्टर में जो एसी के सप्लाई पे लगा रहता है और जो एसी लाइन को फिल्टर करता है। तो इसमें अगर ख़राबी आ जाए तो इस तरह का फॉल्ट इसमें कलर टीवी में काफ़ी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन फिल्टर ये जला सा दिख रहा है, इसको हम मीटर से चेक करेंगे तो मीटर की रीडिंग बिल्कुल सही दिखाएगा, लेकिन इसमें इसके कुछ टर्न आपस में शॉर्ट हो गए हैं इसलिए ये पूरी तरह से काम नहीं करता है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ लाइन फिल्टर इस तरह के होते हैं जो मल्टीमीटर से आपको रीडिंग बिल्कुल सही दिखाएंगे, ओपन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वार्निश जो है वो बाहर निकल रहा है, पिघल चुका है। तो इस तरह से इसका जो वार्निश है वो निकल जाता है तो इसमें जो टर्न बनी है वो आपस में शॉर्ट हो जाती, जिसके कारण से जो लाइन फिल्टर है वो अच्छी तरह से एसी लाइन को फिल्टर नहीं कर पाता है। तो इस कारण से भी इसमें ऐसे फॉल्ट आते हैं। अगर आपको लाइन फिल्टर ऐसा दिखाई दे तो आप उसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस लाइन फिल्टर को चेंज कर देते हैं, हमने पीसीबी को इस तरह से पलटा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस पे जंपर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आप कभी भी लाइन फिल्टर पे जंपर मत लगाइए, क्योंकि अगर लाइन फिल्टर ओपन है ख़राब है तो उसको आप नया लाइन फिल्टर लगा दीजिए, अगर नहीं लगाते हैं तो इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो पिक्चर क्वालिटी को ख़राब करता है, क्रिस्टल क्लियर आपको पिक्चर दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक इसका वाइंडिंग जो है वो ओपन हुआ है, तो यहाँ पे जंपर लगाया हुआ है। तो हम इस लाइन फिल्टर को चेंज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस पे पेस्ट लगा देते हैं और ये डिसोल्डर वायर की मदद से हम इस लाइन फिल्टर को निकाल देंगे। ये जो डिसोल्डर वायर होता है दोस्तों ये एक कॉपर का वायर होता है, जाली जाली सा इसमें वायर रहता है नेट जैसा, जिसकी मदद से दोस्तों इस पे जो सोल्डर वायर है वो चिपक जाता है, पीसीबी में जो सोल्डर वायर लगे रहते हैं उसको वो अपने में चिपका के निकाल देता है। तो ये है डिसोल्डर वायर जिसकी मदद से हम सोल्डरिंग को डिसोल्डर करते हैं, निकालते हैं किसी भी सामान को तो उसका उपयोग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आप ये लाइन फिल्टर देख सकते हैं, ये लाइन फिल्टर देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पार्क हुआ है, जल गया है, जिस कारण से इसमें फॉल्ट आ रहा है, पिक्चर क्वालिटी हमारा सही नहीं बन पा रहा है। तो ये लाइन फिल्टर को हम दोस्तों चेंज कर देंगे। अब ये जो लाइन फिल्टर हमारे हाथ में है वो नया लाइन फिल्टर है और इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है उस लाइन फिल्टर से, आप इसको देखकर भी पता लगा सकते हैं
ये जो मेरे हाथ में है ये छोटा वाला जो पहले वाला लाइन फिल्टर है, और ये जो है बड़ा वाला ये नया लाइन फिल्टर है। तो इस तरह से आप दोस्तों अच्छी क्वालिटी का लाइन फिल्टर लगा सकते हैं। मार्केट में और भी सस्ते लाइन फिल्टर मिल जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, पिक्चर क्वालिटी सही तरीके से वो ला नहीं पाते हैं। तो आप जब भी लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का लाइन फिल्टर लगाएं ताकि आपको पिक्चर क्वालिटी भी बेहतर मिले। तो ये लाइन फिल्टर दोस्तों हम यहाँ पे लगा देते हैं पीसीबी पे, उसके बाद हम इसको सोल्डर करके फिर टीवी हम ऑन करके देखेंगे कि इसमें हमारा जो पिक्चर क्वालिटी वो सही होता है कि नहीं होता है। तो ये लाइन फिल्टर हम लगा रहे हैं और इस लाइन फिल्टर को हमने सोल्डर कर दिया है। अब हमने लाइन फिल्टर लगा दिया है, उसके बाद हम दोस्तों टीवी को ऑन करके देखते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी में कोई फ़र्क आया है कि नहीं, ठीक हुआ है कि नहीं। पिक्चर पे नेट जैसा बन रहा था जाली टाइप का दानेदार, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये टीवी हमने ऑन कर दिया है और पिक्चर क्वालिटी को आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। और हमने ये जो वीडियो का है इसको स्पीड को भी कम कर दिया है, और आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई इसमें नेट जालियां या दाने नहीं दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी एकदम बेहतर हो चुका है। तो दोस्तों ये फॉल्ट हमारा ठीक हो चुका है। जब भी दोस्तों आपको कुछ इस तरह का फॉल्ट नज़र आए जिसमें पिक्चर क्वालिटी ठीक ना हो, दाने दाने आए, जाली टाइप का आए पिक्चर के ऊपर में, तो आप इस लाइन फिल्टर को आंख बंद करके चेंज कर सकते हैं। उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देखें और सीधा चेंज कर दें तो आपका ये फॉल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज बनता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों इससे हमारा हौसला अफजाई होता है, हमें वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाए।